200-250 रुपये का शेयर आज की डेट में 2000 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये कहानी रही है एस्ट्रल के शेयर की। पिछले 5 साल में पी की बात करें तो इंडस्ट्री के पी से लगभग डबल से ज़्यादा चल रहा है। और फाइनेंशियल फिगर्स देखें, फाइनेंशियल फिगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं, प्रॉफिट वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी। कजारिया सिरामिक्स ने पिछले 5 सालों में 133% का रिटर्न दिया। 500 से इसका प्राइस बढ़कर लगभग 1000 और 1100 के बीच में ट्रेड कर रहा है। पी इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा ज़्यादा है। बात करें फाइनेंशियल फिगर्स की, पिछले 5 साल में प्रॉफिट और रेवेन्यू कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। ब्लू स्टार ने बीते 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को लगभग 125 से 130% का रिटर्न दिया। 400 और 500 के बीच में ट्रेडिंग से आज की डेट में ये 1000 से 1100 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बात करें इसके पी की, लगभग डबल चल रहा है इंडस्ट्री के पी से। प्रॉफिट और अर्निंग की फिगर आपके सामने हैं। अर्निंग लगातार बढ़ रही थी, लास्ट ईयर को छोड़ दें, कोविड का इम्पैक्ट कंसिडर कर लेते हैं उसमें। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स ने अपने इन्वेस्टर को बीते 5 सालों में 400% का रिटर्न दिया। इसकी अगर पी की बात करें तो पी इंडस्ट्री के पी के लगभग बराबर ही है। बात करें इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के फिगर की तो बहुत ही स्मूथ है, कंटिन्यूस ग्रोथ दोनों में देखने को मिल रही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोविड, लास्ट ईयर इसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट और अर्निंग दोनों वाइज रहा है। लास्ट में आपके सामने ये रहे शेयरिंग पैटर्न। सैरा सैनिटरी वेयर ने लगभग 150 से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। 2000 के करीब ट्रेड करने वाला शेयर आज की डेट में 5000 पे ट्रेड कर रहा है। इसके पी की बात करें, पी इंडस्ट्री के पी से लगभग डबल की तरफ जा रहा है। करते हैं इसकी अर्निंग की। अर्निंग पिछले 2 सालों में थोड़ी सी गिरी है, प्रॉफिट भी सेम उसके वाइज ही गिरा है। उम्मीद करते हैं अब कोविड का इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे और इनकम भी बढ़ेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने हैं।